अध्याय 21। श्री वहीयज ठाकुर, श्री अनंत राव पाटनकर और पंडरपुर के वकील की कथाएं। इस अध्याय में हेमाड पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर बीए श्री अनंत राव पाटनकर पुणे निवासी तथा पंडरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पद पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमाड पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक मुंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर ने हेमाड पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्य स्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री ठाकुर। श्री भाई एच ठाकुर बीए रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि पादक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप बड़गांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानडे संत पुरुष के दर्शन कर उनके चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने गए तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारे एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जो नर्क हो गया, जहाँ की नाने घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसीलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहेब चांदौरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवाने न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ ना जा सके। इस कारण नाना साहेब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसीलिए उन्हें नाना साहेब का साथ ना देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहां से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने सार गर्भित शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था,
तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़े संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था, उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए, व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अनंतराव पाटनकर। पुणे के एक महाशय श्री अनंतराव पाटनकर श्री साई बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया, वेद वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिल सकी, इसीलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक मेरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। घोड़ी की लीद के नौ गोले। नविता भक्ति। एक समय एक सौदागर यहाँ आया, उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के नौ गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटनकर इस कथा का कुछ भी अर्थ न समझ सके, इसीलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और नौ एकत्रित गोले हैं नव विद्या भक्ति, यथा श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये भक्ति के नौ प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप तप योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोज कर नौ प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के नौ गोले एकत्रित किए। उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटनकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं परंतु पीठ पीछे निंदा करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना, यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी।
कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया वह मेरे और ही लक्ष्य कर कहा गया था। यह सत्य है, वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंडरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उसे छुटकारा पाना संभव है, और क्या श्री नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है। उस समय श्री नूलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं पर अनेक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंडरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है। फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा ना थे। वे सबके हृदय की गुप्त बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपाना था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान थी तथा उनके सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल ना थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्रान्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब के लिए नहीं परन सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत पा सका। उनकी जीवनी भी तद्न रूप ही है, क्योंकि वे परब्रह्म स्वरूप हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।